भारत भूमि पर देवों का सदैव आगमन रहा है। भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण रहे हो, धर्म की रक्षा के लिए अनंत कालों से पापियों का संहार करने मनुष्य रूप में अवतरित होते रहे हैं। इसी प्रकार माँ जगदम्बा ने भी स्त्री रूप में आकर इस पृथ्वी को राक्षस विहीन किया था। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान स्वयं इस धरा पर विभिन्न रूपों में आते हैं और अपने भक्तों को भयमुक्त करते हैं। एक सच्ची कहानी लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। ये घटना कई हजार वर्ष पूर्व की है, जो एकदम सच्ची है। इस घटना के आश्चर्यजनक साक्ष्य हैं, जो माता की सत्ता होने को प्रमाणित करते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये घटना वहीं से है। हजारों वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी पर विशाल वन क्षेत्र एवं समुद्र थे। इंसान कबीलों के रूप में अलग अलग जगहों पर समूह में रहते थे। उनका व्यवसाय भेड़ बकरी गाय भैंसों को पालना था। कुछ नाव से राहगीरों को नदी भी पार कराते थे, जिससे उनकी जीविका चल जाती थी। उस समय पृथ्वी पर मायावी राक्षस विचरते रहते थे। इन भोले भाले लोगों को अपना आखेट बना लेते थे। राक्षस इंसानी मांस का भक्षण करते थे। पृथ्वी पर उनके उत्पात निरंतर बढ़ रहे थे। पूरी मानव जाति त्राही त्राही कर रही थी। इस मुक्ति का उन्हें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके पृथ्वी मनुष्य विहीन होती जा रही थी। मनुष्यों का कातर स्वर बार बार ब्रह्मांड की ओर जा रहा था, परंतु राक्षसों की सत्ता दिन पर दिन तांडव मचाई हुई थी। उन्हीं दिनों राजा दक्ष सुख समृद्धि के लिए विशाल यज्ञ करा रहे थे। पूरी पृथ्वी से ऋषि मुनि उस यज्ञ में सम्मिलित थे। राजा दक्ष ने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया था, जबकि भगवान शंकर उनके दामाद थे। पार्वती का विवाह राजा दक्ष की मर्जी से नहीं हुआ था, इस कारण वह शिवजी से नाराज रहते थे। नाराजी के कारण ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। ये बात पार्वती जी को आघात कर गई थी। भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर ध्यान में थे। इसी बीच पार्वती जी वहां से चलकर अपने पिता के नगर पहुंच गई थीं। वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। उनके पिता कुछ समझ पाते उससे पहले ही पार्वती जी ने यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी थी। पूरे ब्रह्मांड में धुआं ही धुआं फैल गया था। जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे थे। उधर भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया था। उन्होंने पार्वती जी को तलाशा। पार्वती जी उनके पास नहीं थी। वह पार्वती को आकाश मार्ग से तलाशते हुए उस यज्ञ के पास पहुंच गए थे। यज्ञ के मध्य पार्वती जी का शरीर मूर्छित पड़ा हुआ था। यज्ञ में लपटे उठ रही थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। भगवान शंकर पार्वती के उस शरीर को लेकर आकाश मार्ग में आ गए थे। पार्वती जी का काफी शरीर छत हो गया था। भोलेनाथ उस शरीर को दोनों हाथों में लिए आकाश मार्ग में चलते चले जा रहे थे। पार्वती जी के शरीर का जो भी भाग पृथ्वी पर गिर रहा था, वह स्थान पवित्र तीर्थ बनता चला जा रहा था। पार्वती जी के शरीर का एक भाग भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के एक स्थान में आकर गिरा, जिसका नाम वर्तमान में पीलीभीत है। वह स्थान भी पवित्र हो गया था। माता पार्वती के अंश पूरी पृथ्वी पर छितर गए थे। पीलीभीत में हजारों वर्ष पूर्व दैत्यों का विशाल साम्राज्य था, जिससे लोक जीवन बहुत प्रताड़ित था। दैत्य मानवों का भक्षण कर रहे थे। उनके उत्पाद निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। जब पृथ्वी पर पापियों का बोलबाला हो जाता है, भगवानों को स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है। पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए एक कहानी का जन्म होता है। इस कहानी का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष का यज्ञ करना
भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं करना, माता पार्वती का यज्ञ में शरीर दान देना, ये पूर्व रचित घटना थी। माता पार्वती का एक अंश वर्तमान में जम्मू कश्मीर में गिरा था, वो स्थान माता वैष्णो का हो गया था। टनकपुर उत्तराखंड में गिरा अंश माता पूर्णागिरी धाम हो गया था। रक्त की एक बूंद बरेली में गिरी तो वह स्थान 84 घंटा वाली माता हो गई थी। पीलीभीत में गिरा माता का भय अंश यशवंतरी हो गया था। पीलीभीत में पूर्व में एक नकटा दानव निवास करता था, पूरा वन क्षेत्र था। भूल से कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था तो नकटा दानव उसे आहार बना लेता था। धीरे धीरे वन क्षेत्र से जीव जंतु कम होते चले जा रहे थे। किसी मानव के लिए नकटा दानव को मारना सरल कार्य नहीं था। रात के समय में उसकी आसुरी शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थी, जिससे बैठे ही बैठे वह सांस खींच कर सैकड़ों लोगों को भक्षण कर जाता था। त्रस्त लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर ऐसा ही रहा तो इस पृथ्वी से मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। जब ये कातर स्वर ब्रह्मांड में पहुंचा तो खलबली मच गई थी। उधर पीलीभीत में माता का अंश जन्म ले चुका था, उनका नाम यशवंतरी हो गया था। यशवंतरी माता ने राक्षस जाति पर अब अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था। नकटा दानव के सभी साथी राक्षस माता के त्रिशूल से भेदे जा चुके थे, उनका समूल नाश हो गया था। नकटा दानव यशवंतरी माता के कोप से जान बचाए बचाए फिर रहा था, कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। यशवंतरी माता त्रिशूल लिए शेर पर सवार होकर उसका वध करने निकल पड़ी थी। जगत जननी माता के कोप से कौन बच सकता था। निरी मारे गए प्राणियों के कातर स्वर उनकी कानों में गूंज रहे थे। नकटा दानव उनसे माफी मांग रहा था, वह किसी कीमत पर उसे माफ करना नहीं चाहती थी। अंत वही हुआ जो माता को मंजूर था। माता ने भागते हुए नकटा दानव को त्रिशूल के प्रहार से मार दिया था। यह एक सच्ची कहानी है। पीलीभीत में आज भी नकटा दानव चौराहा है, वहीं उसी स्थान पर नकटा दानव की मृत्यु हुई थी। माता यशवंतरी देवी का स्थान वर्तमान पीलीभीत में देशनगर क्षेत्र में है। नवरातों में यहाँ विशाल मेला पूरे 9 दिन रहता है, दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आते हैं। ये सच्चा मंदिर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। माता कुछ ना कुछ उसकी झोली में डालती अवश्य है। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के श्री आनंद चेतन महाराज दयालु जी ने यहाँ षट चंदी यज्ञ अब से 40 वर्ष पूर्व कराया था, तब से ये स्थान और पवित्र हो गया है। श्री आनंद चेतन महाराज जी प्रतिवर्ष माता यशवंतरी देवी का आशीष लेने आते रहते हैं। पूर्णागिरि धाम जाने के लिए लोग पहले यहाँ माता की आशीष लेकर ही आगे बढ़ते हैं। माता से मिलने के लिए हमें बरेली उत्तर प्रदेश आना होता है। बरेली से पीलीभीत जाने के लिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग है। दिल्ली से बरेली के लिए हवाई मार्ग भी अब उपलब्ध है, जो माह में अभी केवल 4 बार ही सेवा है।